प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालते ही नवजोत सिंह सिद्धू आक्रामक नजर आ रहे हैं। साथ ही शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं पंजाब की जनता के लिए वादों की झड़ी भी लगा रहे हैं। इसी के तहत नवजोत सिंह सिद्धू ने कार्यकर्ताओं की बैठक में आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही पंजाब की जनता के लिए बड़ा वादा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 रुपए में बिजली खरीद कर लोगों को 3 रुपए प्रति यूनिट देंगे। इसके अलावा सिद्धू ने कहा कि आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल फ्री बिजली देने का वादा करती हैं। लेकिन उनका ये वादा बिल्कुल झूठा है, क्योंकि पंजाब सरकार पहले ही 17 रुपए में बिजली खरीद रही है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है और दोनों पार्टियां फ्री बिजली देने का वादा कर लोगों को गुमराह कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने भी कुछ दिन पहले 400 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, जिसको लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष ने दोनों पार्टियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पंजाब में बिजली सियासी मुद्दा रही है, जिसको भुनाने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है।